तकरीबन 1 जनवरी से कि यहाँ सत्याग्रह का प्रोग्राम चल रहा है और कई लोग तकरीबन 300-400 औरतें भी हैं और मर्द भी हैं जो रात में यहाँ सोते भी हैं और दिन भर यहाँ रहते भी हैं। और इन्होंने तकरीबन कई दिनों से NRC, CA और NPR के ऊपर जो एहतजाज कर रहे हैं उसके ऊपर हम सवाल करेंगे लोगों से कि आपकी क्या मांग है, आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं, कि कितने दिनों से जो सत्याग्रह है आपकी क्या मांग है। आपका नाम क्या है मैडम? जी मेरा नाम निगहत है। आप क्या करते हैं? बेटा बेटा सोशल जी। तो मैडम ये जो कई दिनों से आपका जो एहतजाज है, इस एहतजाज से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हमारी बस एक ही मांग है कि ये जो उन्होंने ये जो कानून लाए ये संविधान के खिलाफ है और हम सभी लोग चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ जो चीज़ है वो सरकार ना करे। कि ये सरकार हमने खुद हम सब ने अपना टाइम देकर अपना कीमती वोट देकर ये सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि ये कोई एक कानून ऐसा लाए जिसमें वो संविधान का उल्लंघन करे। हम चाहते हैं कि इसी एक कानून को वो वापस ले जो हमारी सत्याग्रह में मांग है और हम NRC बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अभी हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से ये पैगाम आया लोगों को कि कुछ भी करे ये सियासी रंग दी जा रही है, लेकिन हम NRC और CA और जो भी है NPR इसको हम लागू करेंगे। तो अगर वो लागू करेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि हमारा हर कदम ये है कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जब तक ये कानून को वो वापस नहीं लेंगे हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। हमारी लड़ाई बुजुर्गों से लेकर जवानों तक है और हम लोग लड़ते रहेंगे इसको हमेशा, जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी ये सरकार। आज हमने भी देखा कि हैदराबाद के अंदर और तकरीबन दुनिया के कई ममालिक में ये बात और इस बात पर चर्चा हो रही है और विलीन मार्च तकरीबन हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में निकल रहा है, इसके बावजूद सरकार टस से मच नहीं हुई। ऐसे हालात में मैडम, जब हिंदुस्तान का भट्टा बैठा हुआ है जी, GDP 3.5 से 3% हो गई है जी और इकॉनमी एकदम चौपट हो चुकी है, ऐसे हालात में सरकार को थोड़ा कदम उठानी चाहिए। आप क्या सोल्यूशन देंगे? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि पहले वो जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरी करें, लोगों को बेरोज़गारी की जो इतनी ज़रूरत है, जो रोज़गार नहीं मिल रहा, आप उन सबको छोड़कर अब एक नया एजेंडा लाते हैं, क्योंकि वो एजेंडा इसलिए लाते हैं कि उनको अपनी सरकार बरकरार रखना। कभी वो बाबरी मस्जिद का मसला ले आएंगे, कभी राम मंदिर का मसला ले आएंगे, तो उनको जो चीज़ें लाना है वो लाएँ ना। ये मिला जुला के बात ये है कि दिमाग